सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? भाई आपको अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूं मुरादनगर के आरआरटीएस के स्टेशन पर दोस्तों। इसका व्यू देख सकते हो पीछे से, जिस पे कि कंस्ट्रक्शन अभी किया जा रहा है दोस्तों। और आगे चलते हैं, कैनाल होते हुए सीधे मोदी नगर साउथ का स्टेशन दिखाएंगे चल के आप सभी को, कि उस पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क अभी किया जा रहा है इस रूट पे। तो चलिए चलते हैं ना देर करते हुए, आगे कैनाल आएगी और कैनाल पे भी दिखाएंगे। तो देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट के खंभे तो ये इन्होंने लगा दिए हैं दोस्तों। अब इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जा रहा है, वो लगा दिए भी जा चुके हैं। और इस पर जो ट्रैक स्लैब हैं वो डाले जा रहे हैं, फिर इसके बाद में ट्रैक बिछाया जाएगा और इस पर ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाना दोस्तों। अभी तो बस यही काम चल रहा है, जो कि आपको बता दूं कि जैसे ही मोदी नगर स्टार्ट होता है वैसे ही वहाँ पर बस एक प्लर बचा हुआ है कनेक्ट कर लेने के लिए लॉन्चर द्वारा, वो भी अब कर दिया जाएगा 4-5 दिन के अंदर दोस्तों। बाकी तो सारा रूट ये आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे गाजियाबाद के वैशाली से लेकर एलिडेटेड सेक्शन है ये, और आपका ये साहिबाबाद गाजियाबाद होते हुए गुलडर दोहाई होते हुए सीधा मुरादनगर होते हुए मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ और मेरठ साउथ में इसका एंड हो जाएगा। तो इतना बायोडक्ट क्लियर हो चुका है दोस्तों, बनके बिल्कुल कंप्लीट एकदम। अब इस पर टैक्स लैब डाले जा रहे हैं और इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जा रहे हैं, उस पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जा रहा है दोस्तों। इस पर अभी फिनिशिंग का भी काम चल रहा है। तो देख सकते हो ये कैनाल आ चुकी है, जो कि थोड़ा सा ये लेफ्ट में कर्व ले लेती है, क्योंकि राइट में आपको बता दूं ये ब्रिज बना हुआ है कैनाल का, तो इस वजह से इन्होंने राइट में नहीं दिया, लेफ्ट में थोड़ा सा कर्व दे दिया दोस्तों। फिर इसके बाद में फिर ये बीच वाले डिवाइडर पर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। तो देख सकते हो ये मुरादनगर की कैनाल आ चुकी है, और यहाँ कैनाल से लेकर देख सकते हो ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों। अब इस पर वायरिंग और ओवरहेड इक्विपमेंट लगाए जाने हैं दोस्तों, और इस पर अभी ट्रैक बिछाया जा रहा है। तो यही वर्क चल रहा है आगे, तो देख सकते हो ये ट्रैक स्लैब रखे हुए हैं, यही अभी डाले जा रहे हैं इसके ऊपर। और जैसा कि मैं आप सभी को हर एक वीडियो में बताता हूं दोस्तों, 30,272 करोड़ की लागत से ये पूरे रूट को बनाया गया दोस्तों। 82 किलोमीटर का रूट है, जिसमें से 12 किलोमीटर का रूट दोस्तों अंडरग्राउंड है, यानी कि 6 किलोमीटर का आनंद विहार में और 6 किलोमीटर ही मेरठ के अंदर है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, ये पूरी लाइन बन के कम्प्लीट हो चुकी है, बस इस पर ट्रैक बिछाया जा रहा है और इस पर वायरिंग का काम किया जा रहा है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक दोस्तों, अभी बहुत कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। Doing crazy dreaming.
अभी मैं जिस लॉन्चर की बात कर रहा था दोस्तों, देख सकते हो ये लॉन्चर यहाँ पर लगा हुआ है, ये थोड़ा सा कर्व ले लेगा, इस वजह से इसमें डबल पिलर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर लॉन्चर लगा हुआ है, बस यही बायोडक्ट बचा हुआ है। तो यहाँ पर लगा हुआ है लॉन्चर, यहाँ से ये मोदी नगर स्टार्ट हो जाता है। तस्वीर है, देख सकते हो कि किस तरीके से ये सेगमेंट को और इस बायोडक्ट में जोड़ा जाता है दोस्तों। ये देखो तस्वीर है, अब लॉन्चर देख लो भारी भरकम, ये कुछ पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा उधर का तो जुड़ चुका है, अभी इसमें एक पिलर कनेक्ट करने के लिए बचा हुआ है, बस वो ये लॉन्चर कर देगा तेज़ी के साथ में। और जो यहाँ पर कंपनी वर्क कर रही है वो है दोस्तों L&T। देखो किस तरीके से ये जोड़ा जा रहा है, ये देख सकते हो ये टीम लगी हुई है L&T की, और इसको उठाएंगे और फिर इसको जोड़ा जाएगा दोस्तों। ऐसा ये सारे एक साथ ही जोड़ा जाता है, ये देख सकते हो तस्वीर, ये है लॉन्चर और ये है सेगमेंट जो जोड़ रहे हैं यहाँ पर। किस तरीके से ये लॉन्चर इस सेगमेंट को उठाया जाता है और फिर सारे सेगमेंट एक पिलर से दूसरे पिलर तक ये सारे सेगमेंट उठा कर चिपकाए जाएंगे, तो देखो आप लोग प्रोसेसिंग ये किस तरीके से चिपकाया जाता है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, तो उधर लॉन्चर लगा हुआ है, यहाँ तक ये जोड़ दिया और आगे एक और लॉन्चर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो आप बने रहो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं आप सभी के बीच में ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कैसे RRTS के रूट पर दोस्तों कहाँ कहाँ वर्क चल रहा है, क्या क्या वर्क चल रहा है, वो सब कुछ। अब KP संत के चैनल पर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो दोस्तों, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो हर जगह के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। KP संत लाता रहता क्योंकि मैं 2 महीने से कोई भी वीडियो नहीं डाला था मैंने अपने चैनल पर, और मैं कहीं गया हुआ था बाहर तो इस चक्कर में नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब आ चुका हूँ। अब आपको पर डे वीडियो देखने के लिए मिलेगा KP संत के चैनल पर दोस्तों, जो कि आगे देखने के लिए मिलेगा दूसरा लॉन्चर। और इस पर जो बायोडक्ट है, बस ये एक पिलर तो वो बचा है और एक ही पिलर ये बचा हुआ है दोस्तों, और ये बन के बिल्कुल बायोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको बता दूं कि जहाँ से ये एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट होता है आनंद विहार यानी कि वैशाली से लॉन्चर देख सकते हो, और ये मेरठ साउथ स्टेशन तक बिल्कुल बायोडक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको पता ही है फिर क्या काम रह जाता है, फिर इसके जो ट्रैक स्लैब हैं पहले वो डाले जाएंगे, फिर उसके बाद में ट्रैक बिछाया जाएगा, ट्रैक इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाएंगे और खंभे के ऊपर दोस्तों ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, उसके बाद में वायरिंग का काम किया जाएगा। तो यही वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे इस दिल्ली मेरठ RRTS के रूट पर दोस्तों। और आगे आप लोगों को स्टेशन देखने के लिए मोदी नगर साउथ का स्टेशन आने वाला है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए, दिखाते हैं आप सभी को अभी। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका है मोदी नगर साउथ का स्टेशन, देख सकते हो इन पर ये गाटर रख दिए गए हैं, और गाटर रख देने के बाद में अब इस पर गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। कॉन्कोर्स रेवर का फ्लोरिंग पहले ही हो चुका था, उस पर काम चल रहा है नीचे, अभी डेंट पेंट का काम किया जा रहा है दोस्तों प्लेटफॉर्म के अंदर दोस्तों। और अभी दोनों साइड में अभी इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट भी नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि अभी जगह खरीदी जाएगी, उसको तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद में फिर उसका फाउंडेशन बनाया जाएगा। तो अभी यही वर्क चल रहा है, देख सकते हो दोनों साइडों में जो प्लेटफॉर्म लेवल का है गाटर लॉन्चिंग कर दी है, अब इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना। आप सभी बताना वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।